चांदनी चौक एक पुराना और व्यस्त बाजार है ओल्ड दिल्ली में, जिसका इतिहास, विरासत और मुवाटरिंग स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर है। ये क्षेत्र 17th सेंचुरी में मुगल बादशाह शाहजहां की शासन काल में स्थापित हुआ था, जिन्होंने अपने निवास के लिए प्रसिद्ध लाल किला बनाया था। सदियों से चांदनी चौक में कई राजा और बादशाहों ने अपना निवास बनाया, जिसमें अंत में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर भी शामिल है। इस क्षेत्र ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें 1857 की भारतीय क्रांति भी शामिल है। चांदनी चौक के कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक भी है, जिसमें शानदार लाल किला शामिल है, जो मुगल वंश के लिए 200 साल से अधिक काल तक निवास था। इस क्षेत्र में कई दरवाजे भी है, जिसमें दिल्ली दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा और लाहौर दरवाजा शामिल है, जो मुगल काल में शहर को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए थे। Hello, Namaskar, I am Shamri and today we are going to explore the age-old and beautiful Chandni Chowk and have some of their famous street foods, so let's go. स्टॉप है परांठे वाली गली, जो फेमस है अपने परांठों के लिए, मसालेदार छोले भटूरे और यम्मी चाट के लिए। तो चलो चलते हैं, क्योंकि ये मेरा पहली बार है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। परांठा आ चुका है, इसके साथ मेरे को मिली है सीताफल की सब्जी, आलू मटर की सब्जी और आलू मेथी की सब्जी, साथ में दो चटनियाँ भी हैं। यहाँ गाजर का अचार दिया हुआ है, यह है गाजर का अचार, ये मैं खाऊंगी साथ में। अब ट्राई करते हैं, गर्मा गर्म परांठे है, चलो ट्राई करते हैं। काट डिफरेंट है, आज तक कभी मीठा परांठा नहीं खाया, बट इट्स नॉट बैड। आई थिंक इट्स अ 6 or 7 on 10, बट आई मस्ट ट्राई। आपकी दुकान का नाम क्या है? बाबूराम देवी जी, मेरी दुकान
पहले यहाँ पे चार पर तरीके के प्लानिंग होते थे, दादाजी से चला रहे एंड द थर्ड जनरेशन है। फिर हमने धीरे धीरे करके इन्वेंट किए पराठे, जैसे पेरी पेरी पराठा हो गया, आजकल बहुत चल रहा है पेरी पेरी पराठा, कैंडी क्रश चीज पराठा, कॉलीफ्लावर, सारे पराठे तरीके से बहुत तरीके के पराठे हमने करे हैं। अंडरटेकर लस्सी बेस्ड है। यहाँ का सबसे स्पेशलिटी पराठा कौन सा? देखिए वैसे तो रेगुलर पराठे चलते हैं, मिक्स पराठे ही सबसे बेटर दिखता है, बट आदमी फ्लेवर के अंदर खाता है तो जैसे पेरी पेरी हो गया, टूना टोटका हो गया, चीज पराठा हो गया, पनीर तंदूरी पराठा है, पनीर बारबेक्यू है, चाप बारबेक्यू है, डिफरेंट थिंग कैंडी क्रश पराठा है, मेवा रोल है, आपको मोमोज पराठा भी मिलेगा, बहुत तरीके के पराठे हैं, ये सारे स्पेशल है। यहाँ सबसे ज्यादा रश किस दिन होता है? सैटरडे से ऑफ वीक दिन से होता है ना आपके सैटरडे। मैंने यूट्यूब पर काफी वीडियोस देखी है कि यहाँ सेलिब्रिटीज आते हैं, क्या आपकी दुकान पर भी कोई सेलिब्रिटी आया है? बहुत आते सेलिब्रिटी, अभी हाल फिलहाल रणवीर कपूर आया था, उससे पहले वो कहते हैं मनोज तिवारी भी आया, करीना कपूर आई है। तो यहाँ पर एक पराठा कितने का कॉस्ट करता है? एक पराठा 90। 90 का? तो इसमें कोई पराठे का डिफरेंस भी है कि गोभी का पराठा 90 का? डिफरेंस है, अब जैसे गोभी का 90 का है, फिर मोमोज का 100 का है, पनीर का 100 का है, फिर चाप तंदूरी वगैरह ये 150 रुपए का, चीज का पराठा 120 का है, और क्या कहते हैं मेवा रोल, और क्या कहते हैं वो आपका मैंगो चटपटा, ये दोनों। हेलो, आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के बाहर से आए हैं? नहीं, हम दिल्ली के हैं लेकिन इस तरफ नहीं, हम साउथ दिल्ली के। क्या आपने फेमस पराठे वाली गली के पराठे ट्राई किए? तो आपने क्या क्या ट्राई किया? चाट खाइए। पूजा करने के बाद अब मैं आई हूँ गुरुद्वारा कीर्तन साहब मथा टेकने, और अब चलो चलते हैं गुरुद्वारा।